सुहास है पुणे से। सुहास बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है 114 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 99.28। ये मैंने ऑलमोस्ट 2020 के एंड में खरीदा था। मैं इन्वेस्टर हूँ, क्या कर सकता हूँ इस, क्योंकि ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 943 से लेके अभी तक ये 400 तक आ गया है, शायद 500 तक। तो जब वो 900 तक गया तो बेचा क्यों नहीं था आपने? सर एक्चुअली इसमें काफी न्यूज आई थी कि अडानी वोल्टेज इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो सर आया ये बताओ सुहास जी, बहुत ये। इंटरेस्टिंग बात है, 9 गुना आपके प्राइस से हो गया था। जी कितने गुना आप चाहते थे कि हो जाए 2-3 सालों में सर, ही? एटलीस्ट मेरा नजरिया 10 साल का था, मैं इन्वेस्टर हूँ, अरे मैं तो लॉन्ग टर्म के दस लिए। भाई 2 साल में 9 गुना हो गया, और 5-5 गुना, मतलब 30-40 गुना चाहते थे क्या आप? नहीं चाहना चाहिए, चाहने में कोई बुराई नहीं है, ओके लेकिन अब देखिए आधा हो गया। सर्वेंद्र बताइए, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये जो है इलेक्ट्रिक बसें बनाते हैं, BYD चाइना वाली कंपनी से इनका टाई अप है, और स्टॉक जहाँ से इन्होंने खरीदा तो वहाँ से तो इनको अभी भी 5 गुना करीब है, जी लेकिन 9 गुना हो था, नोशनल लॉस हो गया है, क्या करें जी हम? जी नहीं, इसीलिए देखिए विनिंग ट्रेड में भी आपको एक नजरिया लेके चलना पड़ता है, और मैं यही बोलता हूँ कि जहां से भी आप चले, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आप 20-25% वहां से स्टॉप लॉस अगर लेके चलेंगे तो वो फिल्टर आपका बन जाएगा जहां पे आपको उसको रिव्यू करना है। तो जो चीज 900 वाली जब 700 भी आई थी ना, ये इनफैक्ट 720 जब आई थी तभी इनको रिव्यू करना चाहिए था, तो आई थिंक रिव्यू में थोड़े लेट हो गए, बट अब ट्रेड में प्रॉफिट में है और ऑलरेडी अच्छी जगह पे इन्होंने लिया हुआ है, तो अब मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे वो तकरीबन अच्छे जो लेवल्स आ रहे हैं वो सपोर्ट आ रहे हैं 420-450 की रेंज में, तो उसकी लोअर एंड में इनको यूज करने के लिए बोलूंगा। 419.40 का एक डेली क्लोजिंग ऑनली स्टॉप लॉस रखे हैं यहाँ पे, अगर किसी कारण से वो ट्रिगर आता है तो आई थिंक आधा अगर बेच लेंगे तो आधा इनका फ्री हो जाएगा, सो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग बिलो 419.40 इनको रिकमेंडेड है। इन द मीन टाइम ट्रेड में बने रहे और उछालों में फिर दोबारा राय लेते रहे। इन लिक्विड आइटम है राइट नाउ 30-40 हज़ार शेयर जिनके दिख रहे हैं मुझे, ट्रेड होते हैं कभी कभार लाखों में भी जाता है, बट फिलहाल मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से वॉल्यूम नहीं हो रहे, ठीक। तो ट्रेड में बने रहे, उछालों में राय लेते रहे, और इन द मीन टाइम 419.40 का स्टॉप लॉस रखें जहां पे इनको आधी क्वांटिटी बेचनी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।